मर्सिडीज बेंज इंडिया ने AMG E53 4MATIC Plus और E63 S 4MATIC Plus भारत में लॉन्च कर दी हैं। E53 की एक शोरूम कीमत 1,02,00,000 रुपए रखी गई है, वहीं E63 S की एक शोरूम कीमत है 1,70,00,000 रुपए। नई कारों में सिग्नेचर AMG पैन अमेरिकाना ग्रिल के साथ खड़े स्लैट्स, पैन बम्पर पर बड़े एयर कर्टन और ग्लॉसी ब्लैक पुर्जे दिए गए हैं। यहाँ LED हेडलैम्प्स के साथ LED DRL और नए पतले LED टेललाइट्स के साथ क्वाड एग्जॉस्ट मिले हैं। दोनों के साथ कॉन्ट्रास्ट लिप स्पॉइलर और 19 इंच अलॉय व्हील्स के अलावा विकल्प के तौर पर 20 इंच के अलॉय व्हील्स भी हैं। AMG E53 Plus के साथ 3 लीटर का 6 सिलेंडर इनलाइन इंजन दिया गया है, जो 435 bhp और 520 nm बनाता है। इसका EQ बूस्ट स्टार्टर ऑल्टरनेटर अलग से 21 bhp और 250 nm पैदा करता है। E63 S Plus एक परफॉर्मेंस सेडान है, जिसके साथ 4 लीटर का V8 बाय टर्बो इंजन है। ये 607 bhp और 850 nm पीक टॉर्क बनाता है। दोनों इंजन AMG स्पीड शिफ्ट MCT 9 स्पीड ट्रांसमिशन से लेस हैं, जो कार के चारों पहियों को ताकत देते हैं। लास्ट एक साल से हमारे पास सेडान सेगमेंट में AMG नहीं था, सो बिकॉज E63 नहीं था, C63 भी हम लिमिटेड क्वांटिटी में दे पा रहे थे, सो नेचुरली SUVs वाज द ओनली ऑप्शन। सो GLC 43 AMG इज द लार्जेस्ट सेलिंग AMG इन द पोर्टफोलियो हमारे यहाँ पे, और ऑन द अदर टॉप एंड इट्स द G63 AMG। आज अगर एक कस्टमर G63 AMG खरीदना चाहता है तो उसको डिलीवरी है फेब्रुअरी नेक्स्ट ईयर, सो वो खुद की कार कॉन्फिगर कर सकता है बिकॉज इट्स फुली सोल्ड आउट। सो देर इज़ अ बिग क्रेज एंड नाउ विद द लॉन्च ऑफ द E63 AMGs बोथ कार्स, दैट्स वाई हमने एक 53 और 63 दो गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं सेगमेंट में। आई थिंक इवन सेडान्स, बिकॉज ट्रू रेस ट्रैक इज ए सेडान, नॉट एन SUV एज सच, सो दैट्स वाई AMG का जो जीन्स है दैट्स ऑन द सेडान साइड। लेम्बोर्गिनी ने भारत में नई 2021 हुरकान STO लॉन्च कर दिया, जिसकी एक शोरूम कीमत 4,99,00,000 रुपए तय की गई है। हुरकान STO रेस ट्रैक के लिए बनी कार है, जो सड़कों के लिए भी वैध है, और इसने कंपनी की पिछली परफॉर्मेंस कार हुरकान परफॉर्मांते की जगह ली है। परफॉर्मांते के मुकाबले हुरकान STO 43 किलो हल्की है, जिसकी बड़ी वजह है 75% से ज़्यादा कार्बन फाइबर बॉडी वर्क। कार की सिर्फ विंडस्क्रीन ही पिछले मॉडल के मुकाबले 20% हल्की है, और अब हुरकान STO का कुल वजन 1,339 किलो हो गया है। कार के साथ पहले ऐसा 5.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड V10 इंजन है, जो 630 bhp और 565 nm पैदा करता है। कार सिर्फ 3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, और 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने में इसे 9 सेकंड लगते हैं। कार की टॉप स्पीड है 310 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, रोड, ट्रैक और रेन। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने आगामी इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बुकिंग शुरू कर दिया, जिसे महज 499 रुपए की टोकन राशि देकर बुक किया जा सकता है। इसमें दिलचस्पी रखने वाले ग्राहक कंपनी की वेबसाइट पर दोपहिया को बुक कर सकते हैं, जो अब से कुछ ही हफ्तों में लॉन्च हो जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज 100 से 150 किलोमीटर तक बताई जा रही है, और इसके साथ अलग होने वाली लिथियम आयन बैटरी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, क्लाउड कनेक्टिविटी, अलॉय व्हील्स और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जैसे फीचर्स मिलने का अनुमान है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।